130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं, मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। और आज मैं चिदंबरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी ठेले पर चले जाइए, यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। किसी भी देश ने 11 से 5वें नंबर की छलांग इतनी स्पीड से नहीं लगाई है। घर बनते हैं तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जरा आप मुझे हाँ या ना बोलिएगा, भैया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। श्री अजय सिंह जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों से बात करने का आपने मंच भी दिया, मौका भी दिया। मित्रों, आज जिस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है, वो विषय को कोरी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। हमने सबसे पहले ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब पूरा भारत इसके लिए प्रयास करे। कोई एक कोना विकसित होने से भारत का सर्वसमावेशी विकास संभव नहीं है, और जब तक भारत का सर्वसमावेशी विकास नहीं होता है, हम जिस छलांग को लगाना चाहते हैं वो छलांग हम नहीं लगा सकते। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग 130 करोड़ की आबादी को बोझ मानते हैं, मेरे जैसे लोग 130 करोड़ की आबादी को बड़ा मार्केट भी मानते हैं। अब अपना अपना देखने का नजरिया है। तो जब तक भारत के कोने कोने से भारत के विकास का प्रयास नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और आज भारत का एक राजनीतिक मानचित्र का एनालिसिस करिए तो एक केंद्र सरकार, 28 राज्य सरकारें, 2 यूटी की सरकारें और 6 यूटी, लगभग 2.5 लाख के आसपास लोकल बॉडीज, 30 से 31 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधि, 6,40,000 गांव और उनकी पंचायतें, जिला पंचायत, म्युनिसिपालिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब मिलकर हमारा प्रशासनिक ढांचा बनता है। तो जब तक देश का कोई भी नेता, देश का प्रधानमंत्री होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम भारत की कल्पना को जमीन पर नहीं उतारता है, भारत का विकास संभव नहीं है। आप लोग, ये 9 साल में जो विकास हुआ है, इसको अर्थतंत्र के ग्राफिक्स की दृष्टि से एनालिसिस करते हैं, उसको तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा अचीवमेंट है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं। परंतु इसका एनालिसिस एक अलग दृष्टि से भी करना चाहिए कि अगर जब तक कोई एक नेता, कोई प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर टीम भारत की कल्पना को चरितार्थ नहीं कर सकता है, ये नतीजे जो 9 साल में आए हैं ये नहीं आ सकते हैं। और ये नतीजे का मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समग्र देश को साथ में रखकर आगे बढ़ने का निर्णय किया है, और इसके कारण एक अद्भुत सिनर्जी पूरे देश के अंदर देखने को मिलती है। देश का कोई भी कोना हो, आप एक समान प्रकार का उत्साह, समान प्रकार की एनर्जी का अनुभव करते हैं। G20 का मौका दुनिया के कई देशों को मिला, भारत को भी मिला। दुनिया से अब तक G20 जहां जहां हुए, सभी देशों ने 4 से ज्यादा स्थानों पर G20 की मीटिंगें नहीं करी है, भारत ने 59 स्थानों पर करी, और सभी के सभी राज्य और सभी की सभी यूटीज के अंदर कर एक चेतना की जागृति। और अगर ये सबको साथ लेने का अप्रोच हमारा न होता तो हम कभी भी कोरोना जैसी महामारी से लड़कर सफलता के साथ बाहर नहीं आ सकते। मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त गृहमंत्री भी था, मेरे मंत्रालय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, हम इसको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेशन के जानने वाले पंडित सबसे बड़ी चिंता भारत की करते थे, और वाजिब भी था, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना पुख्ता नहीं था जो इतनी बड़ी महामारी के साथ हम मुकाबला कर पाए। और आबादी भी बहुत बड़ी, देश भी बहुत बड़ा, फैली हुई, बिखरी हुई, ढेर सारी दिक्कतें थी। मगर जब कोरोना का संकट समाप्त हुआ, तब दुनिया भर में
आज एक बात की स्वीकृति है कि कोरोना के संकट का सबसे अच्छा मुकाबला अगर किसी एक देश ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत। मैंने अमेरिका से आए हुए कई लोगों को वहां से मेल मुझे लिखे हैं कि हम आना तो जाते हैं भारत पर, मगर हमारे साथ वैक्सीनेशन भी हो गया है, रिसीट नहीं है वैक्सीनेशन की। अमेरिका जैसे देश में 3-3 महीने तक वैक्सीनेशन की रिसीट नहीं मिलती थी। आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको अनुभव होगा, मोदी जी का हंसता हुआ फोटो के साथ 30 सेकंड में आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाती है। टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, आंकड़ों का सतत अभ्यास करता रहता हूं और दुनिया भर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का भी कंपेरेटिव स्टडी करता हूं। मैंने टेक्नोलॉजी का इतना सटीक उपयोग नहीं किया है, तो इसका मूल कारण है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और टीम इंडिया की भावना के साथ मोदी जी ने 9 साल तक देश का नेतृत्व किया है। इसका अगर सबसे बड़ा फायदा होता है तो भारत को होता है। हमारी नीतियों ने, सटीक तरीके से बनाई हुई नीतियों ने, पूर्ण विचार विमर्श के बाद बनाई हुई नीतियों ने भारत को प्रगति के पथ पर डाला है। हमारी विचारधारा ने भारत को सुरक्षित बनाया है। हमारी संवेदनशील योजना ने भारत के विकास को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी बनाया है और हमारी उपलब्धियों ने दुनिया चकाचौंध होकर देखती रह जाए, इस प्रकार की योग्यता हमने प्राप्त की है। मित्रों, मैं थोड़ा नीति बनाने वाला व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि वाला होना चाहिए इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं संसद के अंदर बैठा था 2017 में, जब मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात को लेकर संसद के सामने आए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री, एक संसद का रिकॉर्ड है इसलिए मुझे नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई बच नहीं सकता, भारत के पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम जी ने एक भाषण किया था। मैं कोट अनकोट कहता हूं, किसी गांव में अगर आप किसी सब्जी वाली को आप आलू और टमाटर खरीदने के लिए 7.50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं जो मोदी जी बताते हैं, तो वो कैसे करेगी? इस पर उन्होंने 3 पॉइंट कहे थे। पहला, क्या उनके पास पेमेंट की कोई मशीन है? दूसरा, वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है? और तीसरा, वहां के इंटरनेट काम करता है? और आज मैं चिदंबरम जी को रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी ठेले पर चले जाइए, यूपीआई से पेमेंट हो रहा है और दूर दूर के गांव तक हो रहा है। मैंने अरुणाचल के गांव में भी देखा है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी देखा है और नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे गांव में फटाक कर यूपीआई का मोबाइल से पेमेंट करते हुए महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, अनपढ़ लोगों को देखा है। ये विजन जो है, ये विजन ही देश का विकास करता है। मित्रों, मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो आज मैं बताना चाहता हूं 2022 में कुल 8,840 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए। यूपीआई की हिस्सेदारी इसमें 52% है, 52% यूपीआई की हिस्सेदारी, और इसका मूल्य 126 लाख करोड़ होता है। लगभग भारत में 99% गांव में बिजली पहुंच चुकी है। भारत नेट से 1.90 लाख पंचायतें जुड़ चुकी है। जो चिदंबरम साहब जब पूछते थे तब 600 पंचायतें थी, अब 1.90 लाख पंचायतें भारत नेट से जुड़ चुकी है और 6,998 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम ये 6 साल के अंदर समाप्त कर दिया है। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो 2014 में 6.1 करोड़ थे, अब सितंबर 2022 का आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है, 82 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन भारत के अंदर उपलब्ध है। ये बताता है कि जब आप नीति का निर्धारण करते हो तब आपके सामने पड़ी हुई सारी संभावनाओं का दोहन करने का आप में मादा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, विजन होना चाहिए, तभी जाकर आप देश का नेतृत्व कर सकते हो, तभी जाकर देश को तय किए लक्ष्य तक पहुंचा सकते हो। और वो काम मोदी जी ने किया है। इकोनॉमी के अंदर जिस प्रकार का फर्क हम देख रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं, 2047 तक भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, दूसरा 2025 तक
$5 trillion इकोनॉमी को हम अचीव कर लें। और मुझे भरोसा है ये दोनों लक्ष्य पूरे करने के लिए एक मजबूत नींव डालने का काम ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर दिया है। और अब तक जो अचीवमेंट हुए है इसके आधार पर मैं भरोसे से कह सकता हूं कि हम एक कर लेंगे। मित्रों, 2014 में भारत दुनिया के अर्थतंत्र की तालिका में 11वें नंबर का अर्थतंत्र था और सिर्फ 8 ही साल के अंदर हम आज 5वें नंबर पर खड़े हैं। किसी भी देश ने 11 से 5वें नंबर की छलांग इतनी स्पीड से नहीं लगाई है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने लगाई। आईएमएफ ने भारत को डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट कहा है। 2023-24 के लिए हमारा जीडीपी मतलब 6.1% है जो G20 में सबसे ज्यादा है। पीएलआई के माध्यम से ही सिर्फ पीएलआई के माध्यम से 2.34 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाकर भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब तक सर्वाधिक व्यापार वस्तुओं का निर्यात 2022 में $421 बिलियन का भारत ने 2022 में सिद्ध किया है। एक्सपोर्ट हमारी बहुत बड़ी समस्या थी। और मित्रों, एफडीआई $83 बिलियन का, 70 हजार से ज्यादा स्टार्टअप, इसमें 116 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, एक्सपेंडिचर का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एक्सपेंडिचर के फोकस को हम ले गए और 10 महीने की तुलना में इस वर्ष 29.10% ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने खर्चा किया है। जीएसटी कलेक्शन 2022-23 के 10 माह का एवरेज 1.49 लाख करोड़ हुआ है, जो गब्बर सिंह टैक्स कर इसका मखोल उड़ाते थे उन लोगों को आंकड़े जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब नहीं देना चाहता, आंकड़े जवाब दे रहे हैं। इतने बड़े देश में 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को, 16 से ज्यादा परचेज के साथ जुड़े हुए टैक्स को एक ही टैक्स में समाहित कर कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक एक ही टैक्स का स्ट्रक्चर हो, ये व्यापार को कितना बड़ा बढ़ावा दे सकता है इसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। मित्रों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक में भी हमारा सुधार हुआ है। मैंने जो भरोसे से कहा कि हम संपूर्ण विकसित देश बनेंगे और 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर लेंगे, ये मजबूत नींव के आधार पर कह रहा हूं जो मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर डालने का काम किया है। हमारे क्रिटिक भी इसको इनकार नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आंकड़े हैं जो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही रहते हैं। मित्रों, मैं एक ऐसा विषय भी कहना चाहता हूं जो शायद आपको लगे कि यहां ये कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं, जब तक कोई भी देश सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विकास का मॉडल नहीं अपनाता है उसका ग्रोथ नहीं होता है। आज तक 2014 के पहले इकोनॉमी के विकास के लिए चर्चा करने वाले सभी लोगों ने इंडस्ट्री की चर्चा करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करी। यही चर्चा के आसपास हमारा विकास का दायरा, अर्थतंत्र का दायरा यही चर्चाओं में सीमित रहा। परंतु किसी ने देश में 60 करोड़ लोग इस देश के अर्थतंत्र का हिस्सा ही नहीं है इस पर ध्यान नहीं दिया। 2014 में इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। आप मान सकते हैं, 60 करोड़ लोगों के परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था, उनका भारत के अर्थतंत्र के साथ कोई जुड़ाव ही नहीं था। वो 60 करोड़ लोगों को लिए पूरा दिन कल क्या खाना है उसकी चिंता करने में ही जाता था। ज्यादा से ज्यादा हम हमारे परिवार को कैसे सुविधापूर्ण जीवन दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल के अंदर इनकी ये चिंता से उनको मुक्त कर दिया। आज हर परिवार के अंदर बैंक अकाउंट है, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर है, 11 करोड़ शौचालय बनाकर
हमने हर घर के अंदर स्वच्छता का और स्वास्थ्य का वातावरण खड़ा किया है। 8.7 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है, जो अब तक नहीं पहुंचा था। 18,000 गांवों में जो बिजली पहुंचाना बाकी थी वहां पहुंचाई। 3 करोड़ घर जहां बिजली नहीं थी उनको बिजली पहुंचाई। पीएम किसान के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को हमने ऋण लेने से ही मुक्त कर दिया। 2 करोड़ लोगों को अपना घर दिया और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा हर परिवार को दे दिया। 5 लाख तक उसको हेल्थ रिलेटेड सारे एक्सपेंस की चिंता से मुक्त कर दिया। 48 करोड़ बैंक खाते खोले। डीबीटी के माध्यम से 53 मंत्रालय की 310 से ज्यादा योजनाओं से 24 लाख करोड़ रुपया सीधा कोई घूस दिए बगैर आज इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है। ऐसे अनेक विध सुधार इस 60 करोड़ लोगों की जीवन पद्धति को, जीवन की लाइफस्टाइल को, जीवन स्तर को उठाने के लिए मोदी जी ने किए। अब आपको लगेगा इसे इकोनॉमिक का क्या लेने है? सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर 3 करोड़ घर बनते हैं तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जरा आप मुझे हाँ या ना बोलिएगा भैया, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देश भर में पानी की पाइपलाइन बिछाइए, आप जीडीपी बढ़ेगा या ना बढ़ेगा? 13 करोड़ घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में विकास बिजली पहुंचाएंगे तो विकास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये सारी चीजें जीडीपी को तो कंट्रीब्यूट करती है, परंतु मोदी जी ने एक शुष्क ड्राई जीडीपी को मानवीय चेहरा देने का काम, संवेदना देने का काम कर इस 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाए और दुनिया भर के अंदर एक मानवीय जीडीपी की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, इसका दुनिया में सबसे पहला उदाहरण नरेंद्र मोदी जी ने दिया। क्योंकि मित्रों, इस सभागार में बैठकर आपको लग सकता है टॉयलेट बनाना, अब क्या बात कर रहा है जिसका गृह मंत्री मेरे सामने आकर, क्योंकि आप सब लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हो, मगर आप कल्पना करिए किसी भी कारण से आपका घर का टॉयलेट बिखर जाए तो आप क्या करेंगे? 75 साल तक 10 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट ही नहीं था। और इस तरह से हम विकास के अचीवमेंट नहीं कर सकते। मोदी जी ने इस 60 करोड़ लोगों को इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। और अब मैं आता हूं इकोनॉमी पर, क्योंकि ये 7 करोड़ लोग अपने जीवन में एक ही काम करते थे, कल क्या खाना इसकी चिंता करते थे, ज्यादा से ज्यादा घर में कोई सुविधा आ जाए इसकी चिंता करते थे। इनके जीवन स्तर की पूरी चिंता मोदी जी ने कर दी। 5 किलो अनाज भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, चिंता से मुक्त कर दिया। आज अब वो जो कमाता है वो छोटी सी स्कूटी लाता है, घर में पंखा लाता है, कोई बच्चों को पढ़ने के लिए मेज लेकर आता है। इसने सपने देखना शुरू किया है। 60 करोड़ लोगों के पुरुषार्थ देश के विकास के साथ, उनके सपने देश के विकास के साथ जुड़े हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ा हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा बूस्टर कोई हो ही नहीं सकता। 60 करोड़ लोगों का पुरुषार्थ अगर इकोनॉमी को बढ़ाकर करते, एक बिजनेस की भाषा में कहूं तो 80 करोड़ के मार्केट को मोदी जी ने 130 करोड़ का, 140 करोड़ लोगों का मार्केट बना दिया, क्योंकि वो 60 करोड़ लोग मार्केट का हिस्सा ही नहीं।